चले भाई, गुड इवनिंग टू सबसे पहले आप सभी लोगों को। सर आज क्लास नहीं होगी? नहीं मेरे भाई, क्लास बिल्कुल होगी। क्लास हर रोज होती है, आज के टाइम पर होती है। दो चार मिनट हो जाता है यार आगे पीछे अरेंज करने में, तो उसके लिए होगा। पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वॉइस भी क्लियर आ रही होगी, क्लियरिटी भी साफ आ रही होगी। तो आप सभी लोगों का स्वागत है भाई 8 से 9 के बैचेस में, जिसका नाम है शब्द अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। फटाफट आइए भाई। जय हिंद सर, जय हिंद भाई। सुमित पाल कह रहे हैं, प्रवीण, राजीव, सुमित, नेहा, राहुल पाल, बहुत बढ़िया भाई। जल्दी से आ जाइए भाई, सभी लोग आ जाइए। सौम्य यादव आइए सर, आगे बेटा जल्दी आइए भाई। आज सभी के लिए भाई स्वागत सबसे पहले। और आप सभी को भाई समझना पड़ेगा कि 8 से 9 का जो सेशन है, ये सिर्फ सेशन नहीं है, आप लोगों के लिए एक बूस्टअप है। ठीक है ना भाई? अगर हमें इस पे बूस्टअप में आपके लिए, आपसे काम करा रहे हैं बेटा, तो इस बूस्टअप का रिजल्ट आपको एग्जाम सेंटर में मिलेगा, या फिर आपको किसी भी वनडे एग्जाम का जब आप क्रैक करके बैठोगे तब आपको फील मिलेगा। ठीक है भाई? जय सर, जय बेटा। तो फटाफट भाई लाइक शेयर कराइए, एटलीस्ट 1 घंटे के लिए। मैं बार बार रिपीट करता हूं बेटा, एटलीस्ट 1 घंटे के लिए ही सही, पर इस लिंक को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे जगह दिया करिए। बहुत सारे बच्चे स्टेटस पे क्लिक करने के बाद क्या करते हैं भाई, उसको स्क्रीनशॉट में भेजते हैं। सर देखिए मैंने लगाया, तो तहे दिल से स्वागत है मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं मेरे भाई आज का सेशन पर। आज का सेशन वाकई इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं और लेवल भी क्वेश्चंस का हमने धीरे धीरे अप करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आप लगातार मेहनत करते चले जा रहे हो, क्वेश्चंस को क्रैक कर पा रहे हो। तो हमारा काम है कि आपकी डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करना, और आपका काम है कि उस इंक्रीजिंग लेवल को थोड़ा सा आपको हमें गलत साबित करना है। ठीक है भाई? इसी के साथ मेरे भाई, ये हमारे पास कल के प्रश्न का हल है। देखिए भाई, बहुत सारे बच्चों से मैंने बोला था कि जितने बच्चे भी भाई यहां पर हैं, जो मेहनत करते हैं भाई, उनके लिए हम रोज एक क्वेश्चन सॉल्व कर सेंड करते हैं, और उसका आंसर हमें आपसे चाहिए होता है। बहुत सारे बच्चों ने उसके आंसर दिए भी थे, वो बहुत अच्छे से आंसर दिया, क्वेश्चन को समझा, उसको सॉल्व किया, बहुत बड़ी बात है भाई। तो हमने जैसे बोला था, रोज आपको एक लास्ट में क्वेश्चन मिलेगा और उसका जो हल होगा वो नेक्स्ट डे आपको जरूर मिलेगा। तो भाई यहां पे क्या स्टार्ट करते हैं बेटा, कल हमने क्वेश्चन दिया था कि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 369 रुपए है, तो उस राशि का उसी दर से उतने ही समय में साधारण ब्याज क्या होगा? समझना मेरे भाई। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। तो यहां से मैं आपसे कहता हूं कि आपसे 5% कॉन्स्टिट्यूटिव यानी लगातार आपसे सीआई अरेंज किया जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं सक्सेसिव परसेंट रेट क्या आएगी, सक्सेसिव परसेंट रेट क्या निकल के आएगी, तो आप बताओगे सर 10.25%। चलिए भाई, जिन बच्चों को समझ में आ गया होगा ना मेरे भाई, तो विश्वास मानिए ये वाकई में एक हलवा प्रश्न था, जो आप बच्चे वही बता पाएंगे जिन्होंने कॉन्सेप्ट को अच्छे समझा होगा। और जो बच्चे अभी भी थोड़ा सा फॉर्मुलों को लेकर अगर डिस्टर्ब हैं, या जो अभी भी फॉर्मुलों के ऊपर डिपेंड है ना मेरे भाई, तो वो इनके लिए बहुत बड़ा डिफिकल्ट बन के आ रहा होगा। तो आपने कहा सर सक्सेसिव रेट परसेंट हमारे पास जो है वो 10.25 का है। अब आपको क्या करना है भाई, यही तो हमारे लिए सीआई का काम करेगा। और सीआई 2 साल में कितना हो रहा है सर, 369। कैलकुलेशन से घबराना नहीं मेरे भाई, आपको पता है 0.25 की वैल्यू होती है 1/4 इज इक्व टू 369। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा मेरे भाई 41/9 परसेंटेज इक्व टू 369। सॉल्व किया तो ये आ जाएगा हमारा 9×1% इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट, या 4 आएगा, ये 4 होगा भाई। ठीक है ना? तो आपने कहा 36, तो 100% बराबर कितना आ गया बेटा, आपने कहा 3600। ये क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया प्रिंसिपल यानी मूलधन हो गया। अब हमें इसी प्रिंसिपल पर एसआई बताना था, 2 वर्ष का एसआई बताना था, जिस पर रेट हमारे पास 10% थी। तो भाई हमें एसआई हर साल का सेम होता है मेरे भाई, हर साल का एसआई सेम होता है, 1 साल का 5, 2 साल का 10 बेटा, तो कितना आ जाएगा 3600 का केवल 10% निकाला, तो आंसर आ गया हमारे पास 360। तो इसका जबरदस्त आंसर 360, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही था मेरे भाई, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही था, यानी डी ऑप्शन सभी का सही था भाई। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी भाई। ठीक है भाई, आगे एक बढ़ाते रहिए भाई, जल्दी जल्दी बढ़ाते रहिए चीजों को, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई। तो आज का हमारे पास पहला क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है मेरे भाई, समझिएगा। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को करते हैं। यानी ए और बी
एक मैं अकेला उतने समय में कार्य कर सकता हूं जितने समय में आप और आपका दोस्त कार्य कर सकता है। फिर कह रहा है यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिनों में करते हैं, सी अकेला 50 दिनों में करता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। ऑप्शन से भी हो जाता है मेरे भाई, बिल्कुल सही है, लेकिन हम यहां पर थोड़ा सा डिस्टर्ब मतलब बड़ा बढ़ाने बैठे थे, है ना भाई। तो उम्मीद करता हूं आपको ऑप्शन से भी हर तरीके समझ में आ जाएगा। बताओ भाई आंसर क्या आ जाएगा। अब ये मान के चलिए भाई, अब वो समय आ चुका है कि आपको अपने रिदम को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे आता जाएगा मेरे भाई, जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा, आपको चीजें यहां पर समझनी पड़ेंगी और जल्दी से जल्दी रिप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज आपके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत जरूरी है भाई। 20 ओके सर कैसे? देखो भाई आपसे कह रहा है ए उतने समय में कार्य कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कार्य करते हैं। बोलो भाई, यानी ए उतना ही समय लेता है जितना समय बी और सी मिलकर लेते हैं, यानी दोनों का आपस में समय कैसा है बराबर। बोलना बेटा, आपसे कह रहा है ए और बी मिलकर इस कार्य को 10 दिन में करते हैं, जबकि कह रहा है ए और बी मिलकर इस कार्य को 10 दिन में करते हैं, जबकि सी अकेला इस कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, आपसे अगर मैं कहता हूं इसकी क्षमता बताओ कितनी आ जाएगी। सर टोटल काम आ जाएगा 50, डिवाइड करने पर आ जाएगा 1। बोलो भाई आएगा कि नहीं आएगा? आया मेरे भाई। सर लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अरे एक बात बताओ भाई, ए बी और सी मिलकर कितना काम करते हैं, ये मत सोचो कौन कितना कर रहा है। अगर हम तीन लोग मिल रहे हैं भाई तो टोटल कितना काम हो रहा है? आपने कहा सर टोटल काम हो रहा है 6। बोलो भाई 5 काम यहां पर, 1 काम यहां पर, टोटल काम कितना? 6 काम हो रहा है मेरे भाई, 6 काम टोटल हो रहा है, जिसमें कि सी कितना कर रहा है? 1। अरे एक बात बताओ, काम टोटल 6, सी का काम कितना? 1। तो भाई बचा कितना काम? 5। अब 5 काम बचा हमारे पास मेरे भाई, कितना काम बचा? 5 काम बचा हमारे पास मेरे भाई। तो 5 काम में बी का काम कितना? 2 हो जाएगा, और सी ए का काम कितना? 3 हो जाएगा। सर आपने ये कैसे आइडेंटिफाई कर दिया? बेटा यहां पे दिया था ए उतना ही काम करता है, उतना ही समय लेता है जितना समय बी और सी मिलकर लेते हैं। तो आप ये कह सकते हो सर हमें यहां पर दोनों की क्षमता को आपस में बराबर करना था। तो ये क्या हो जाएगा भाई? 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 3। बोलो आया कि नहीं आया? अब आपसे क्या कह रहा है बेटा? आपसे कह रहा है कि बताओ अगर बी अकेला उसी काम को करे तो काम कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। मेरे भाई बी से काम कराना था, हमें काम कराना कितना है? सर काम कराना है 50। काम कितना कराना है? 50 काम कराना है मेरे भाई, काम कराना है 50। क्यों भाई? और हमें काम कराना किससे? बी से। तो बी कितना काम कर रहा है? सर 2। तो समय कितना लेगा? 25। ओरल आंसर हो जाता मेरे भाई, क्वेश्चन में बहुत दम थी, विश्वास मानिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में थोड़े से घुमा मिलेंगे। उम्मीद करता हूं मेरे भाई समझ में आ गया होगा। 25 आंसर जिन जिन बच्चों का भी आ रहा है सभी का सही है। थोड़ा सा स्पीड पकड़िएगा, अब बातें कम होंगी काम थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि जिस तरह से हालात है मेरे भाई हमें काम ज्यादा करना है और बातें कम करनी है। उम्मीद करता हूं 25 आ गया होगा। जल्दी से बताओ भाई, किसी को डाउट है, किसी को भी अभी लग रहा है कि नहीं सर अभी नहीं आया, तो मेरे भाई कंप्रोमाइज मत करना, तुरंत बताना, हम तुरंत उसका सलूशन भी आपको बताएंगे। बताओ भाई आ गया? हां सर 25 आएगा, बहुत बढ़िया भाई। मेरे भाई समझ में आ गया ना? तो फटाफट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए भाई क्या कह रहा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है मेरे भाई, बढ़िया भाई, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपको समझ में आएगा। क्यों भाई? यस सर, बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ाइए भाई, थोड़ा सा लाइक्स को बढ़ाइएगा, थोड़ा सा लाइक शेयर करा दीजिए मेरे भाई। बोलिए भाई, बहुत सारे बच्चों ने बोली बात कि सर हमारे बीएससी के बीए के एग्जाम चल रहे हैं जिसके लिए क्लास को हम देख नहीं पा रहे हैं भाई, है ना भाई। बहुत सारे बच्चों ने इस बात को बताया है कि सर हमारे बीए बीएससी के एग्जाम चल रहे हैं जिसके चक्कर में हम क्लासेस को कंटिन्यू नहीं देख पा रहे हैं, तो हमारा लॉस हो जाएगा क्या? मेरे भाई बिल्कुल भी परेशान मत होना, ये जरूरी नहीं है कि जब आप लाइव देखो तभी आपका भला हो। आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो है मेरे भाई, आप जब भी फ्री हो अपने सेगमेंट से, अपने एग्जाम से, अपने ग्रेजुएशन के एग्जाम से, आप आराम से बैठिएगा और एक एक वीडियो को आराम से देखिए मेरे भाई। हम लोग ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अलग से बता रहे हो, बस चीज ऐसी होती है मेरे भाई कि आपको उस चीज को थोड़ा सा फोकस करना होता है, दैट्स इट, खत्म बात। बोले भाई आगे कि नहीं आ गया? हाँ सर। अरे एक बात बताओ मेरे भाई, एक रुपए में 40 सुई बेचकर आपको क्या होती है मेरे भाई?
25% की हानि होती है तो एक रुपए में कितनी सुई बेची जाए, एक रुपए में कितनी सुई बेची जाए कि 20% का लाभ हो? बताओ फटाफट आंसर कितना आ रहा भाई, 20% का लाभ हो मेरे भाई, जल्दी से बताओ भाई आंसर कितना आएगा। 25, इसका भी 25 बता रहे भाई। अब एक बात समझना मेरे भाई, एक रुपए में 40, यानी एक रुपए में कितनी मिल रही मेरे भाई, 40। और जब आपको ये एक रुपए में 40 मिलती है मेरे भाई, तब भी आपको क्या होती है, हानि होती है 25% की, यानी कि 100 की चीज का मोल क्या बनता है मेरे भाई, 75 रुपए। तो आपने कहा भैया एक रुपए में 40 बेचने पर हमें 75% के बराबर हानि होती है। बोलो भाई ऐसे कौशल बताने की मेरे भाई की भूलोगे नहीं इसको। क्या बोला भाई, एक रुपए में जब 40 बेचते हैं तो 75% की हानि होती है, तो एक रुपए में कितनी बेचें, कितनी बेचें, तो हमने माना x बेच दो मेरे भाई जिस पर 20% का लाभ हो जाए, यानी 120 मिलना चाहिए। बताओ भाई 20% का लाभ का मतलब बेटा 120 मिलना चाहिए मेरे भाई। बस दोनों का डिवाइड करा देना, अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा, x बटे 40 बराबर 75 बटे 120। तो आपने कहा सर 40 तिहाई 120, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, x बराबर कितना आ जाएगा 25। तो मेरे भाई आपको एक रुपए में कितनी बेचनी पड़ेगी, 25 बेचोगे तब आपको क्या मिलेगा, 20% का फायदा होगा। सुनिए भाई क्या कह रहा है मेरे भाई आपसे, आपने एक रुपए में 40 बेची तो आपको 25% का नुकसान हुआ, यानी कि बेटा आपको फिर 100 की चीज कितने में पड़ी, 75 की पड़ी। अब कह रहा है एक रुपए में हम कितनी बेच दें कि हमको क्या हो जाए भाई, 20% का लाभ हो जाए, यानी कि हमें 100 की चीज 120 में मिले मेरे भाई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा, हमें यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, 25। विश्वास मानना मेरे भाई बहुत सिंपल सेगमेंट थे हमारे पास, लेकिन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। थोड़ा सा भाई आगे बढ़िए, शेयर कराइए, लाइक कराइए भाई, थोड़ा सा हमको भी अच्छा फील हो, फटाफट बढ़ाइए भाई। और जो अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया मेरे भाई, इतना कर दो फटाफट हर एक ग्रुप में। आते हैं मेरे भाई, बताइए भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज मैंने कहा ना, आज बातें ज्यादा होंगी, सॉरी आज बातें कम होंगी मेरे भाई और काम ज्यादा होगा। बोलो भाई जल्दी से कितना आंसर आएगा भाई। आपसे कह रहा है मेरे भाई, दो वस्तुओं की कुल लागत 1680 रुपए है, यदि उसमें से एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 16% हानि पर बेचा जाए, और कुल मिलाकर पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है बेटा, तो हमें दोनों का सीपी यानी लागत मूल्य निकालना है। सॉरी सर मैंने प्रश्न लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। बताइए भाई कितना आ जाएगा, एटलीस्ट यार जितने लोग उतने लाइक्स तो होने चाहिए, जल्दी से बढ़ाइए भाई। आपने कहा सर एक पर लाभ एक पर हानि, और ओवरऑल क्या हो रहा है मेरे भाई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो आपको यह बताना है कि दोनों की लागत मूल्य क्या है। आपको यह बताना है बेटा दोनों का लागत मूल्य क्या है। और जो बच्चे भी इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं ना मेरे भाई, विश्वास मानिए जब भी आप प्रैक्टिस सब सॉल्व करोगे, जब भी आपको कुछ भी ऐसा कुछ कंटेंट मिलेगा जहां पर आपको कंपटीशन की फीलिंग आएगी मेरे भाई, आप इन्हीं क्वेश्चन को उस पेपर में उस वन डे एग्जाम में मानेंगे भाई। हमने स्टेटस में लिखा दिया, थैंक यू विशाल पाल, थैंक यू मेरे भाई। समझिए बेटा दोनों का कुल लागत है, यानी पहली वस्तु और दूसरी वस्तु को मिलाकर बेचते हैं भाई 1680 में। बोलो भाई हाँ या ना। आपसे कह रहा सर एक को बेचा हमने 12% प्रॉफिट पर, ठीक है भाई, एक को बेचा हमने 16% पर, ठीक है, और पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ ना तो फायदा हुआ। सुनिए भाई आपने कहा सर मैंने ये पेन बेचा 12% पर, भाई बेच दिया, दूसरे को बेचा सर दूसरा पेन बेचा पर उसमें हानि हो गई। जब हमने ओवरऑल कैलकुलेट किया तो सर हम जहां पे थे वहीं पे खड़े हैं, ना तो आगे गए ना तो पीछे आए मेरे भाई, यानी कि हमारी पॉकेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब जीरो इफेक्ट पड़ा। बोलो भाई अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा मेरे भाई तो जीरो का इफेक्ट पड़ा। अब आपने आपने कहा ठीक है सर इसको एलिगेशन से यूज कर सकते हैं मेरे भाई, तो भाई 16 ये आ जाएगा 12 ये आ जाएगा, तो आपने कहा सर 4:3। बोलो भाई आ गया कि नहीं आ गया, सर 4:3 हो गया, यानी कि उसे इस रेशियो में हमने डिवाइड किया होगा, तो ये वैल्यू कितने के बराबर है 1680 के, तो 7 बराबर 1680 के, तो 1 बराबर 240,
एक बराबर मेरे भाई 240, तो चार बराबर 960, भाई 960 चार बराबर, तो तीन बराबर कितना आ जाएगा 720। बोलो भाई आ गया कि नहीं आ गया। तो आप देख रहे हो मेरे भाई 960 और 720 इसके सही ऑप्शन है। आपने कहा सर ये दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, देखिए भाई 720 960 720 960, तो बी और डी में जो भी बच्चों ने आंसर दिया है वो सारे सही हैं भाई। बी और डी में जिसने जो भी आंसर दिया मेरे भाई वो दोनों सही हैं, क्योंकि दोनों आसन कैसे मेरे भाई सेम है, वो अलग नहीं कर पाया 960 720 और क्या आ जाए भाई 720 960। ठीक है भाई बोलो आया कि नहीं आया भाई, जूम करो सर प्लीज। ओके बेटा अगर छोटा सा दिख रहा है मैं जूम कर दे रहा हूं। ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको जूम मिल जाएगा। बताओ भाई जल्दी से आया कि नहीं आया। आती भाई चलिए देख क्या कह रहा भाई, आपसे कह रहा मेरे भाई जब थक जाओ तो आराम कर लो। देखिए भाई कितनी अच्छी लाइन बोल दी आपसे, आपसे कह रहा है जब थक जाओ, बनी बात है जब हम मेहनत करेंगे, जब मेहनत करेंगे मेरे भाई तो थकना लाजमी है। ठीक है भाई कभी कभी ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं करना लाइफ में, चुपचाप बैठना है, जो होगा देखा जाएगा मेरे भाई। जो थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन मेरे भाई हार नहीं मानना कि आपने हथियार डाल दिए, हथियार नहीं डालना मेरे भाई। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आज की डेट में अगर मैं कहूं आपसे तो प्रेजेंट टाइम में जो वॉर चल रही है मेरे भाई रशिया और यूक्रेन की चल रही है, आप उससे करिए भाई। एक कह रहा है मैं छोड़ूंगा नहीं, दूसरा कह रहा है मैं झुकूंगा नहीं। सुनिए मेरे भाई तो आपको मत बनाए भाई कि वो अगर कमजोर था तो खुद को बचा सकता था, घुटने टेक सकता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तो ये छोटा नहीं बहुत बड़ा एग्जांपल हमारी लाइफ का है मेरे भाई, इसको गोल में सेट करिए, एक अचीव में सेट करिए मेरे भाई, और इस टारगेट को हमें अचीव करना है। ये विश्वास अपने मन से कभी भी मत हटने देना। और जब आपको ऐसा लगता है सर कि नहीं अब लाइफ में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अपनों से बड़ों के अपने से बड़ों को समय दीजिए, उनके पास बैठिए मेरे भाई, आपका मार्ग प्रशस्त वही करेंगे कि उन्होंने जो अनुभव है वो यहां पर हमें आप में किसी को भी नहीं। समझिए भाई जिन घरों में जो बच्चे अपने बड़ों की बात सुनते हैं, जो बच्चे अपने बड़ों को समय देते हैं मेरे भाई, उनका मार्ग जरूर सफल होता है, जरूर प्रशस्त होता है। इसी उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करता हूं इस चीज को आप जरूर समझेंगे बेटा। बस लाइक बढ़ा दो फटाफट एक बार। देखिए भाई क्या कह रहा, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है मेरे भाई। आई थिंक बेटा आप दिख रहा होगा कि भाई आज थोड़ी पीपीटी से छोटी बना दी पगले ने, मैं झुकेगा नहीं साला। वाह भाई बहुत बढ़िया भाई, तो ऐसे लाइक बढ़ाओ मेरे भाई, आदमी ज्यादा लाइक कम भाई, बहुत नाइंसाफी है मेरे साथ, बहुत ना इंसाफी भाई मेरे साथ। क्यों भाई चलेगा? देखिए बेटा सबसे पहले ऑप्शन पर नजर मारो, ये जो पहला ऑप्शन दिख रहा है ना वो ऑप्शन है 7 सही 17/25, दूसरा ऑप्शन है 8 सही 17/25 किलोमीटर पर आर, तीसरा ऑप्शन है मेरे भाई 27/16 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथा ऑप्शन है मेरे भाई 12 सही 29/16 किलोमीटर पर आर। ठीक है भाई, और सारी वैल्यू किलोमीटर पर आर में आ रही है। आपसे क्या कह रहा है, 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड में हराया। समझिए भाई, ए ने बी को 15 सेकंड में हरा दिया, यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो बी की चाल कितनी थी यह बतानी मेरे भाई। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन मेरे भाई, लेकिन विश्वास मानना यह क्वेश्चन आपका माइंड डाइवर्ट करा देगा। सी आ रहा है मेरे भाई का, प्रशांत सिंह कह रहे सर सी आ रहा है, कह रहे 12 सही 29/16 किलोमीटर प्रति घंटा। वाह भाई बहुत बढ़िया भाई, अगर आदमी बढ़ रहा हो मेरे भाई, अगर नंबर ऑफ प्रेजेंस बढ़ा रहे हो मेरे भाई, तो लाइक्स और शेयर की संख्या भी बढ़नी चाहिए भाई, क्योंकि इन पर भी हमारी बराबर नजर रहती है। ऑप्शन सी सही है मेरे भाई। ठीक है भाई मैं चेक करता हूं, समझ में आया क्वेश्चन पूरा। आपने कहा सर 800 मीटर की एक दौड़ है, ए बी को 15 सेकंड से हरा देता है, हराने का मतलब क्या है मेरे भाई, यानी कि यहां से ए और बी साथ में दौड़े, ए और बी साथ में दौड़ते हैं, ए पहले पहुंच जाता है और बी थोड़ा सा वेट करता है, यानी बी बाद में पहुंचता है। बोलो भाई यही तो हुआ कि नहीं हुआ, तभी तो हार जीत होगी। यानी ये 15 सेकंड पहले पहुंच जाता है और इसको पहुंचने में 15 सेकंड ज्यादा लगते हैं मेरे भाई। तो बात बताओ हमारे बी ने कितनी दूरी तय कर ली होगी, बताओ भाई हमारे बी ने 800 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर ली होगी। तो आपने कहा सर अगर हम यहां से सबसे पहला काम करें कि हम ए की दूरी बताएं, ए
का समय बता दो भाई। सर कैसे बताया जाएगा? तो आपने कहा सर चाल बराबर समय बराबर क्या होता भाई? दूरी चाल। देखो आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या होता है भाई? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, सॉरी भाई समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो मेरे भाई दूरी कितनी है? सर दूरी हमारे पास है 800, चाल एक ही कितनी है मेरे भाई? तो आपने कहा सर एक ही चाल आ गई हमारे पास, कितनी भाई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसको आप बदलोगे मीटर पर सेकंड में, तो आप जानते हो भाई ये बात बताओ भाई, जब किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, जब किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं मेरे भाई, ब्लैक पेन यूज करो, अच्छा मेरे भाई ये लो, तब क्या करते हैं भाई 5/18 से गुणा करते हैं। तो आपने कहा सर ये 100 बार जाएगा, 5 × 2 = 10, तो आपने कहा सर 360 सेकंड लगे, समझना मेरे भाई। तो एक को पहुंचने में कितना समय लगा? 360 सेकंड लगे। बोलो भाई ये आया कि नहीं आया मेरे भाई? समझिएगा फिर समझना मेरे भाई, एक को अपनी मंजिल तक पहुंचने में लगे 360 सेकंड, और एक के समय से बी कितना लेता है? बी 15 सेकंड ज्यादा लेता है, यानी 360 सेकंड में 15 सेकंड और लेगा, तो बी ने टोटल कितना समय लिया? 375 सेकंड का समय लिया। बोलो बेटा आया कि नहीं आया? आया बेटा। अब आप खुद नजर मारो भाई कि इन दोनों में कितने का अंतर है? सर 15 सेकंड का अंतर है। बोलो भाई आ गया कि नहीं आ गया? बेटा आपको क्या दे रखा था? आपको यहां पर दूरी दे रखी है, आपको बी की चाल पता है, आपको बी का समय पता है, तो क्या यहां बी की चाल निकाल सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल सर। कैसे निकालेंगे बी की चाल? तो भाई चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, समझने भाई। तो चाल बराबर यानी बी की चाल, बी की चाल, तो सर दूरी कितनी है? 800, चाल कितनी है? 375। और आपको मालूम है मेरे भाई जब चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तब क्या करते हैं भाई? 18/5 से गुणा करते हैं, तो 18/5 ऊपर चला जाएगा मेरे भाई। तो यहां से क्या कर सकते हैं? आपने कहा सर आप सॉल्व करें, तो 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, 5 × 25 हो गया भाई। और यहां से अगर हम काटना चाहें भाई, तो ये काटेंगे 15 × 75, 15 × 60, 15 × 8 = 200, 15 × 75, 15 × 60 = 20 बचा 15 × 8 = 200, 6 × 3 = 18 और 6 × 8 = 48। बोलो भाई आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई? आ गया मेरे भाई? 15 × 7 = 35, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया कैलकुलेशन में, यहां थोड़ी सी गलत हो गई भाई, 15 × 8 = 200 नहीं 25 × 200 होता है, तुम लोग गलत कराते रहते हो भाई। तो ये हो जाएगा 25 × 3 = 75, रुक जाना मैं दोबारा बताता हूं एक बार, समझिए बेटा। आपको केवल कैलकुलेशन करनी, कैसे कर सकते हैं? तो 800/375 और 18/5, सबसे पहला काम 5 से काटा 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 25, बोलो भाई। अब काटो मेरे भाई किससे? अब काट दो फटाफट 25 से, तो 25 × 75, 25 × 75 और 75 × 25 = 50 हो गया भाई। अब कर सकते हैं मेरे भाई, तो आपने कहा भाई ये कट जाएगा 9 बार, तो 9 बार ये आ जाएगा 16 बार। बोलो भाई सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस हिसाब से अगर देखोगे, तो इस हिसाब से 16/27 हमारा क्या आएगा भाई? सही आंसर आएगा। तो 16/27 का आंसर, ऑप्शन में कोई दिक्कत है क्या बेटा? चेक करिए जरा सा भाई, इसके ऑप्शन में कोई दिक्कत है क्या? 18/5 होगा सर, तो भाई 18/5 ही तो लिखा मैंने, 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 से काटा 7 बार 25 हो जाएगा, ठीक है भाई। 25 × 3 = 75, तो 25 × 3 = 75, 5 × 25 = 50, 2 से काटा 9 बार और 2 से काटा 16 बार, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16/27, क्यों भाई आ रहा है क्या इतना? आई थिंक इसके ऑप्शन में कोई मिस्टेक है भाई, 18/5 होगा सर मेरे भाई, 18/5 ही तो किया हमने,
बेटा ये सही है, समझिए हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास वैल्यू थी 8 किलोमीटर। तो भाई 8 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 5/18 से किया 360 आ जाएगा, 360 ने 15 जोड़ा 375 हो जाएगा भाई, आगे कि नहीं आ गया। तो यहां पे क्या कह रहा है मेरे भाई, आपने एक बार मैं दोबारा चेक करता हूं, इसके बाद अगर कुछ होता तो मुझे ऑप्शन में कुछ मिस्टेक लग रही है। आपने कहा सर हमारे पास चाल निकालनी है बी की, तो 800 ये है और 375 ये, बोलो भाई सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने कहा सर चाल आ जाएगी हमारे पास 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, 5×5 = 25 और ये आ जाएगा 16, ठीक है भाई। अब तो कटेगा 15 और 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10, 32/15 आ गया मेरे भाई। और जब इसको चेंज करेंगे किलोमीटर में तो 5/15 ये कर देंगे, तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 19, 192/25। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है मेरे भाई, 192/25 से हमारे पास दो ऑप्शन, यानी ये गलत और ये गलत। अब चेक कर लो मेरे भाई, आपको पता है सर ये कितनी बार जाएगा, 25 × 7 = 75, 175, 7 बार जाएगा। जब 7 बार जाएगा तो 7 से ऑप्शन बेटा पहला वाला सही है, तो 7 सही, 17/ कितना जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए भाई आया कि नहीं आया। तो ये आपके पास पहला वाला ऑप्शन सही था सर, 18/ शायद नहीं भाई, अब सही आ गया। समझिए मैं दोबारा समझाता हूं। सबसे पहले आपने ए का समय निकाला, ए का समय कैसे निकालेंगे सर, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी थी 800 मीटर, चाल कितनी थी 8 किलोमीटर, 5/18 से करा, 18 उठ के ऊपर चला गया, 360 सेकंड आ गया। अब मैंने आपसे 15 सेकंड ज्यादा लिया तो 375 सेकंड हो गए हमारे पास, बोलो भाई आ गया। अब मैं 800 मीटर की दूरी 375 में तय करता हूं तो क्या समय लगेगा भाई मुझे, तो आपने कहा सर 800/375 सॉल्व करने पर 32/15, तो 18/5 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 192/25, यानी 7 सही 17/25 आ जाएगा मेरे भाई। सर यही तो बोल रहे थे, अच्छा मेरे भाई यही बोल रहे थे, तो हम भी यही कह रहे थे। अच्छा अब मुझे समझ में आया, यार थोड़ा सा क्लोज हो जाता है ना तो कभी कभी समझ में नहीं आता। आगे मेरे भाई समझ में, क्लियर है भाई, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए भाई क्या कह रहा, थोड़ा सा बढ़ाइए भाई, लाइक शेयर बढ़ाइए थोड़ा सा। अगला बढ़ाइए भाई क्या कह रहा, कह रहा है एक दूध वाले के पास दो कंटेनर है, पहले कंटेनर में 25% जल है तथा शेष दूध है। अच्छा भाई पहले कंटेनर में, ये पहला कंटेनर हो गया और मेरे भाई ये हो गया हमारा दूसरा कंटेनर, बोलो भाई आ गया कि नहीं आ गया। पहले कंटेनर में 25% दूध, सॉरी जल, पहले कंटेनर में 25% क्या है मेरे भाई पानी, और 75% क्या है मिल्क, बोलो भाई। अगर 25 पानी है तो 75% क्या आ जाएगा मेरे भाई, दूध आएगा कि नहीं आएगा बताओ फटाफट, आ गया। अब बात करते हैं दूसरे कंटेनर की, क्या कह रहे हैं मेरे भाई, 50% उसमें पानी है तो 50% क्या हो जाएगा मेरे भाई, उसमें हो जाएगा दूध, बोलो भाई आया कि नहीं आया। अब कह रहा है प्रत्येक कंटेनर से वो कितना दूध मिला है कि वह पानी से दूध का अनुपात 3:8 हो जाए। क्या कह रहा भाई, पानी से मिल्क से सॉरी वाटर, पानी से दूध का अनुपात 3:5 हो जाए। मेरे भाई चीज समझना सर, सर जी पेपर का 130 नंबर वाला कर दो। अच्छा कौन सा पेपर बेटा, अगर ठीक है मैं देखता हूं भी, ठीक है। अच्छा आज जो पेपर होता है उसका 130 नंबर वाला, ठीक है बेटा मैं चेक करता हूं भाई। समझे भाई, आपने कहा सर अगर हम यहां से, अगर बेटा यहां से क्या निकाली जाए, यहां से पानी को परसेंटेज में चेंज करें तो 3/8 हो जाएगा, यहां पर उसको दूध को चेंज करें तो 5/8 हो जाएगा। बोलो भाई, बेटा परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा, यहां भी 100 का गुणा करना पड़ेगा, समझना भाई। तो आपने कहा सर 4 × 8, 4 से काटा 25, 125/2 का मतलब 62.5%, बोलो भाई, यानी कि इस नए वाले पात्र में 62.5% क्या है भाई, 62.5% दूध है। सर इसको सॉल्व करें तो 2 × 25 = 75, यानी 37.5% क्या हो जाएगा बेटा आपका उसमें पानी हो जाएगा। बोलो भाई ये दोनों फिगर समझ में आए कि नहीं आए। अब आपको केवल क्या करना है बेटा, किसी एक को भी यहां से रिसीव कर लो, चाहे आप पानी को उठा लो, तो यहां से पानी और यहां भी पानी को उठा लो भाई। तो आपने कहा सर इसमें हमारा एलिगेशन पॉसिबल है, 25% पहले में पानी था, दूसरे वाले में 50% पानी था,
तीसरे वाले में पानी जो था वो 37.5 पॉइंट था, यानी 37.5%। एलिगेशन पॉसिबल है मेरे भाई, इसको इसमें माइनस करो, इनको इसमें माइनस करो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12.5%। बोलो भाई, और ये कितना आ जाएगा? सर ये भी आ जाएगा हमारे पास 12.5%, क्योंकि भाई 37 में 12 जोड़ा 39 और ये कितना हो गया हमारे पास 50। आपको मालूम है भाई जब ये वैल्यू बनी हमारे पास तो काम क्या हुआ, ये पूरा कर गया, यानी दोनों पात्र आपस में कैसे आ गए, बराबर आ गए। यानी दूध और पानी की मात्रा बेटा आपस में कैसी है, बराबर है। दूध और पानी की मात्रा आपस में कैसी है, सर बराबर है मेरे भाई। दूध और पानी अगर आपस में बराबर हैं तो ऑप्शन से चेक कर सकते हो कि इसमें से दूध और पानी कहां पर बराबर है। 6 लीटर दूध 6 लीटर पानी निकाला जाएगा तब वो पात्र में कितने अनुपात में आ जाएगा, 3:5 के अनुपात में आ जाएगा। बोलो मेरे भाई आया कि नहीं आया, फटाफट बताओ मेरे भाई। सर रेशियो से बता दीजिए, मेरे भाई रेशियो से बताया है, विश्वास मानना इससे सिंपल कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप अभी क्या करते, आप अभी यहां पे क्या करते, आप पहले यहां पर रेशियो को में कन्वर्ट करते, आप इसी को क्या करते मेरे भाई, एक रेशियो 3 का अनुपात बनाते, फिर यहां पर 1:1 का अनुपात बनाते, फिर आप सॉल्व करते, आप यहां पर सॉल्व करते 1/4, 1/2 और 3/8। आप मेरे भाई इससे सॉल्व करते तब भी आपका आंसर सेम वही आता जो आंसर हमारा आया है। समझना मेरे भाई, आपका तब भी आंसर वही आता जो आंसर हमारा आया है। आप खुद समझो मेरे भाई, आप खुद समझो, 25% का मतलब होता है 1/4, 50% का मतलब 1/2, 37.5% का मतलब 3/8। तो वही चीज हमने खाली परसेंटेज में यूज कर ली है, आंसर क्या आ गया, बराबर। तो दूध और पानी आपस में कैसे हो गए मेरे भाई, बराबर। बोलो प्रवीण आया कि नहीं आया भाई। हाँ सर आ गया, थैंक यू भाई। अब आई होप आपको भी आ गया होगा बेटा, थोड़ा सा लाइक बढ़ाइए भाई जल्दी से। अगले क्वेश्चन की बारी करते हैं। बताओ भाई आ गया, आपसे कह रहा है एक धनराशि 8 पैसे प्रति रुपया प्रति महीने के साधारण ब्याज के आधार पर जोड़ी जाती है तो वह 5 वर्षों में 1680 रुपए आ जाती है। यानी 5 साल में बेटा वो पैसा 1680 रुपए हो जाता है। कितना होता है भाई, 1680 रुपए होता है भाई, समझिएगा। समझे भाई, अब आया समझ में, दिखाई दे रहा अच्छे तरीके से। देखिए बेटा आपसे कह रहा है एक धनराशि जब 8 पैसे प्रति रुपया जोड़ी जाती है तो वो साधारण ब्याज पर 5 सालों में 1680 रुपए हो जाती है। मेरे भाई 1680 रुपए क्या है सर, ये तो हमारा क्या हो गया, सर ये हमारा हो गया अमाउंट हो गया। यानी कोई पैसा सर अभी नहीं आया, ठीक है मेरे भाई मैं दोबारा समझाता हूं, बस वेट करना, मैं इसके बाद तुरंत उस क्वेश्चन पर आता हूं। आपने एक बात बोली मुझसे, सर हमने जो ब्याज लिया आपसे वो 8 पैसे प्रति 100 रुपए पर लिया। यानी कि मेरे भाई मैं ये कह सकता हूं कि आपने जो मुझसे ब्याज लिया वो 8% का लिया। भाई जो चीज 100 के बेसिस पर होती है वही तो क्या कहलाती है, वही तो हमारा ब्याज कहलाता कि नहीं कहलाता, बताओ भाई। मैं बताता हूं मेरे भाई, प्रवीण सुनिए मेरी बात, मैं तुरंत बताता हूं। आपने कहा इस 8% के बेसिस पे क्या हुआ सर, 5 सालों में हमें 1680 रुपए का पूरा पैसा हो गया हमारा। कुछ पैसा था जो 5 सालों में 1680 में कन्वर्ट हो गया। अब वो पैसा हमारे लिए किसका काम करेगा बेटा, वही पैसा बेटा हमारे लिए काम करेगा अमाउंट का। अब एक बात बताइए भाई, क्या हमने कुछ फॉर्मूले पढ़ा था, ए बराबर पी, पी बराबर पढ़ा था, पी बराबर ए 100+RT। बोलो मेरे भाई, तो सर ए कितना था हमारे पास, 1680 × 100/100+R का मान कितना 8, टी कितना 5, तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा 1680 × 100/140। मेरे भाई सॉल्व कर लेना, आपको पता है 14 × 1 = 14, 14 × 2 = 28, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 12 × 100 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1200। कितना आ गया भाई, 1200 आ गया, और यही क्या बन जाएगा आपका सही आंसर बन जाएगा। बोलो भाई आया कि नहीं आया बेटा, नहीं हाँ सर रिपीट कर दीजिए, बिल्कुल बेटा आपको रिपीट करता हूं। देखिए भाई आपसे कह रहा था कि सर
8% यानी प्रति रुपया पर हमें क्या दे रहा भाई, ब्याज देना पड़ रहा है, यानी हर 100 रुपए पर 8, यानी कि 8% दर हो गई हमारे पास। ठीक है सर, तो आपसे कह रहा है कोई पैसा 5 सालों में कितना होता है, 1680 हो जाता है, यानी 5 साल में पैसा हमारा 1680 हो जाता है, ये क्या कहलाएगा, अमाउंट यानी मिश्रधन कहलाएगा। सर मिश्रधन हमारे पास कितना दे रखा है, 1680 भाई। आर और टी कितना दे रखा है, 8 और 5, सॉल्व किया तो कितना हो गया मेरे भाई, 1200 रुपए हो गया, यही क्या हमारे पास प्रिंसिपल था। अब आते प्रवीण आपके सवाल पर बेटा, मेरी बात समझिएगा, 25 पानी तो 75 दूध, 50 पानी तो 50 दूध, 3 और 5 का था, आपसे कह रहा है इनमें से कितना कितना क्या निकाला गया। मेरे भाई आप सभी से कोई भी एक क्वांटिटी निकाल लो, जैसे पानी 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 या दूध दूध दूध, किसी भी एक क्वांटिटी को आप यहां से रिसीव कर लो। तो हमने क्या किया मेरे भाई, यहां से पानी लिया, इस वाले से पानी लिया, तो इस वाले से भी पानी को लेंगे। सर 25% पानी यहां पर दिख रहा है, 50% यहां पर दिख रहा है, और अगर एक बात बताओ, पात्र में टोटल कितना है हमारे पास, 8, 8 में पानी कितना है, 3, तो मेरे भाई परसेंटेज बदलना है, तो आपने कहा सर 37.5% हमारे पास इस नए वाले पात्र में पानी है। बोलो भाई आया कि नहीं आया। प्रवीण बेटा आपके लिए मैंने कहा पहले में 25, दूसरे में 50, पूरा 8, 8 में 3 पानी, तो आपने कहा सर 37.5% नए वाले पात्र में पानी है। तो मेरे भाई आपने क्या करना, दोनों पात्र की वैल्यू को रखा और मेन जो हमारे पास एवरेज था सर, उसमें हमने क्या कर दिया, मेहनत कर दिया। रामहित यादव सर मैथ नहीं समझ में आती हमें, बेटा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, समय दीजिए, कोई भी चीज हमें समय पे ही समझ में आती है जब उसको समय देना शुरू करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपने कहा सर 1:1 बना, यानी दूध और पानी का अनुपात कैसा है, बराबर है, यानी हमने जितना दूध निकाला होगा उतना ही पानी निकाला होगा। अब फटाफट आ जाओ ऑप्शन के ऊपर, आपको दिख रहा है सर कैसे, आपको दिख रहा है भाई 6:6, यानी जितना दूध उतना पानी निकला कि नहीं निकला, इस बिहाफ पर हमारे पास पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, रामहित मेरे भाई आपसे बहुत स्नेह रहा मेरा, कहीं ना कहीं आपने ऐसी बात बोली है ना मेरे भाई, तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग ऐसे इस पॉइंट पर आकर भी अपनी चीजों को शेयर करते हो। समझे मेरे भाई, आपको जब भी ऐसा लगने लगे नहीं हमें कुछ भी नहीं आता है, हम जितना भी प्रयास कर ले मेरे भाई, तो एक बार अपनी फैमिली की तरफ देखना, उम्मीद करता हूं मेरे भाई अपने परिवार की तरफ देखोगे, उनके सपनों की तरफ देखोगे, तो आपके बुझते हुए दियो को एक नई रोशनी मिलेगी मेरे भाई, कुछ सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा, और आप एक बार दोबारा पूरी मेहनत से जुट जाओगे कि जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं वही चीजें आप अपने टीचर से, जिस भी सेगमेंट में जहां भी आप पढ़ रहे हो मेरे भाई, आप पूरा समय लीजिए अपने टीचर से। उम्मीद करता हूं जहां भी आप पढ़ रहे होगे आपके अध्यापक आपको निश्चित रूप से पूरा समय देंगे, ताकि आपकी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए, मैं खुद चाहूंगा। और इसी तरीके से आप अगली बार मुझे ये बताएं आके कि सर अब मुझे मैथ आने लगी है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अगर आप इस चीज को समझकर इस पॉइंट पर आगे फॉलोअप करते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की एक छूट और 30% की एक छूट तथा 20% तथा 10% की क्रमिक दो छूटों के बीच जो अंतर मिलता है 144 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। राम हेत्र सर आपके पास पढ़ते हैं एग्जामपुर में, अच्छा फिर तो मेरे भाई आप विश्वास मानना बहुत सही जगह पर है। आप कल्याणपुर वाले बैच से हैं कि बेटा काकादेव वाले बैच से, प्लीज इतना मेंशन कर दीजिए, मैं कल आपसे पर्सनली मिलूंगा। और ये मान के चलिए भाई, ये मैं खुद बहुत खुश हूं कि मेरे पास वो ऐसा समय आया है या ऐसा एक अप्रोच आया मेरे भाई, जहां मैं आपकी सोच को थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकूं, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने का पूरा प्रयास करूंगा। पर साथ ही साथ मैं आपसे वादा चाहता हूं कि आप भी इस चीजों पर पूरा मेरा सपोर्ट करेंगे और अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे। बताइए मेरे भाई, आपने कहा सर अगर हम एक बात करते हैं भाई, 30 रुपए की एक छूट देते हैं, सीधी सी बात, 100 रुपए की चीज पर अगर हम सीधा सा 30 रुपए की छूट देते हैं मेरे भाई, तो कितने के डिस्काउंट दे रहे हैं उसको, हम सीधा 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं मेरे भाई। लेकिन सर अगर हम यही डिस्काउंट सेकंड दौर में कैसे करते हैं, 20 और 10% के फॉर्म में निकालते हैं,
20% और 10% के फॉर्म में निकालते हैं मेरे भाई। तो आपने कहा सर यहां पे क्या करेंगे, तो इसका हम लोग नेट निकालेंगे कि हमने उसको कुल कितना डिस्काउंट पे किया। तो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो आपने कहा सर इसका मतलब हो जाएगा 20 में 10 जोड़ा प्लस 200/100। तो आपने कहा सर 30 प्लस 2 यानी कि 32%। बताओ मेरे भाई आया कि नहीं आया। तो भाई जब हम तुमको एक से एक एक छूट दे रहे थे, सिंगल छूट, तो छूट कितने की थी 32 की। लेकिन जब आपने हमसे दो छूट मांगी तो हमें छूट कितनी आपको मिली 32 रुपए की। यहां पे 30 की, यहां 32 की, तो कितने का अंतर है मेरे भाई दोनों में 2% का अंतर है। यहां पे छूट मिल रही 30 की, यहां मिल रही 32 की, तो अंतर कितने का सर, अंतर आ गया हमारे पास 2% का। 2% बराबर कितना मेरे भाई 144। बताओ भाई, तो 1% बराबर कितना मेरे भाई 72 आ गया। तो भाई 100% बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, आपने कहा सर 100% बराबर 7200 आ जाएगा। और यही आपके क्वेश्चन का जबरदस्त आंसर हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन ए आ जाएगा, यानी कि 7200 आ जाएगा। बताइए भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आगे मेरे भाई समझ के क्लियर हो गया आगे अच्छी तरीके से आप सभी लोगों का। बोलिए भाई, बढ़िया। और इसके बाद अगले क्वेश्चन में फटाफट आते हैं भाई। 7200 बहुत बढ़िया भाई, लवकुश शाहू बहुत बढ़िया भाई, सुबोध स्टूडेंट ठीक है भाई, लोग जुड़ रहे हैं अच्छी बात है, पर थोड़ा सा लाइक शेयर बढ़ाते रहिएगा। कोमल भी कह रहे हैं ठीक है, राहुल पाल प्रवीण सर आंखें तो बस सब की एक जैसी होती हैं, पर सबके देखने अंदाज अलग होता है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया मेरे भाई। जीवन में कैसी परिस्थिति पड़ जाए प्रयास करिए, अगर आप एक सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते हैं तो निसंदेह आप एक अपने अंदर एक पॉजिटिविटी एनर्जी पाएंगे बेटा। और आज के दौर में सबसे इंपॉर्टेंट है हमें उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखना है, क्योंकि हमारे चारों तरफ क्या है मेरे भाई, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से देखा जाए तो नेगेटिविटी फैल रही है, जो आपको बढ़ते हुए कदमों को भी क्या करेगी, पीछे की तरफ खींचना चाहेगी। ठीक है मेरे भाई, आते हैं अगले क्वेश्चन पर फटाफट। देखिए भाई क्या कह रहा है इसने, इसने कहा मेरे भाई जीवन से जूझना नहीं टूटना नहीं। क्या भाई, जीवन से जूझना सीखो टूटना नहीं। जीवन है मेरे भाई, वो जीवन ही क्या जिसमें आपको समस्या नहीं मिलेंगी। क्यों भाई, क्या चाहते हो, जीवन में हर चीज आपको हर चीज मिल जाए और बिना मेहनत के मिल जाए मेरे भाई, ये भी नहीं चाहोगे ना। सर दो बार लाइक किया, थैंक यू मेरे भाई। आपसे क्या कह रहा है मेरे भाई, आपसे कह रहा है कि जीवन में जूझना सीखो टूटना नहीं मेरे भाई। अगर आप जिस दिन टूट जाओगे ना मेरे भाई, विश्वास मानना आप अपने लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और हमें ऐसा नहीं करना मेरे भाई। क्यों भाई, हमें ऐसा नहीं होने देना है, हमें खूब मेहनत करनी, खूब फाइट करनी है, और एक दिन इतनी फाइट करनी है मेरे भाई कि हमारी किस्मत भी हमारे आगे झुक जाए और कह दे मेरे भाई ये लो, ये तुम्हारा हक है, इसको आप लोग अपने हाथों से ले लो। उम्मीद करता हूं मेरे भाई इस चीज को आप जरूर समझेंगे। सर ये नहीं आया मेरे भाई, बिल्कुल समझाऊंगा, नहीं आया। मैंने आपसे कहा आप किसी शॉप में गए, आपने कहा मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो मैंने कहा मैं आपको सीधा सा एक डिस्काउंट देता हूं 30% का। बोलो भाई, तो 100 की चीज में 30 छूट जाएगा, बोलो भाई छूट गया। अगली बार आप मेरे पास आए तो आपने कहा नहीं सर हमें 30 पूरा एक साथ नहीं चाहिए, हमें 30 चाहिए दो बार में, पहले 20 फिर 10। तो मेरे भाई 20 और 10 की जो हमने एकल छूट निकाली, मींस सिंगल डिस्काउंट बेटा जो निकाला, वो ओवरऑल क्या बन गया हमारे पास 32 बन गया। तो पहले आपको कितना डिस्काउंट मिला 30 का, आज कितना मिला 32 का, डिफरेंस कितने का भैया, अंतर कितने का सर, 30 और 32 में अंतर है 2% का मेरे भाई, 2% का अंतर तुम्हारी तरफ से, पर क्वेश्चन में कितने का है सर, 144 का। तो 2% बराबर 144, 1% बराबर 72, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, आपका आंसर आ जाएगा 7200। बोलो मेरे भाई आया कि नहीं आया, विश्वास मानना मेरे भाई आपको नहीं आता है, एक नहीं दो नहीं 10 बार पूछो, जब तक मेरे प्राणों में भाई, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मेरी एनर्जी मेरा साथ देगी, मैं तब तक आपके साथ सपोर्ट करता रहूं। आते भाई अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा भाई, एक बेलना का डिब्बे का व्यास 6 सेंटीमीटर है। भाई आपको रोज एक क्वेश्चन मिलता है कहीं ना कहीं, किसका भाई, मेंसुरेशन का। तो आज का क्वेश्चन भी आया भाई, आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है एक बेलनाकार डब्बे का व्यास मतलब डायमीटर दे रखा है मेरे भाई 6 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई दे रखी है मेरे भाई, तथा ऊंचाई दे रखी है, यहां पे इसका कोई रोल नहीं है, ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन क्या होगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। सुमित शर्मा आप कह रहे हैं सर आ गया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, मुझे आपसे यही निगेटिव टू पॉजिटिव देखना है। जितने बच्चे भी निगेटिव सोच रहे हैं मेरे भाई, इस कमेंट को देखिए, अभी से ठीक
30 सेकंड पहले मेरे भाई ने मुझसे बोला सर नहीं आया, मैंने कोशिश करी दोबारा एक बार और अब रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, हमें अपने जीवन में इसी तरीके से आगे बढ़ना है मेरे भाई। आगे भाई, आपने कहा बेलन, भाई बेलन का मतलब होता है मेरे भाई सिलेंडर। तो जो बच्चे भी अगर आज इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना मेरे भाई, तो वह समझ जाना कल से पीपीटी बेटा आपको बायलैंग्वल मिलेगी। आज किसी कारणवश नहीं मिल पाई, वरना पीपीटी आपको रोज बायलैंग्वल मिलती है मेरे भाई, है ना भाई। तो हमने भाषा का पूरा ध्यान रखा है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। फटाफट बताओ मेरे भाई बेलन का आयतन क्या होता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आपको मालूम है सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर एच। बोलो भाई। हाँ सर यही होता है। बोलो मेरे भाई, मैं क्यों इतने सिंपल क्वेश्चन रखता हूं ताकि आपको फॉर्मूला बार बार रिपीट करना पड़े। सर पाई के फॉर्म में आंसर आ रहा है तो पाई को डिस्टर्ब मत करो, आर चाहिए आपको, आर जब भी चाहिए मेरे भाई तो व्यास का आधा कर दो, मीन्स डायमीटर का आधा कर दो, तो तीन आ जाएगा, तीन का स्क्वायर किया मेरे भाई नौ आ गया, हाइट आपके पास पांच दे रखी थी, आंसर कितना आ गया 45 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई इसी के साथ आपका जबरदस्त तरीके से बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई, यानी क्वेश्चन में आप कहीं ना कहीं गर्दा उड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। आता है मेरे भाई, सर हमें नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, नहीं पढ़ा तो यहीं पर अप्रोच आपको मिलेगा और आपको ऐसे ही मेहनत करनी भाई। और आज का इसके बाद क्या होता है भाई, आज का आखिरी क्वेश्चन में आपको एक सवाल दिया जाता है, जिसके सवाल का आंसर आपको नीचे कहां देना भाई, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में देना है मेरे भाई। आप लोग रोज मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो, तो आखिरी क्वेश्चन भी आपके लिए जबरदस्त आएगा, और वीडियो जैसी लगती है उसका तुरंत आप मैसेज डाला करो कि सर वीडियो हमें इस तरीके से और अच्छी हो सकती है या हमें वीडियो में इस चीज की नीड है, तो मैं उस कमेंट को पर डे पढ़ता हूं और तुरंत पढ़ता हूं मेरे भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, और ये रहा मेरे भाई आज का प्रश्न, ये रहा हमारे पास आज का प्रश्न, ऊपर लिखा भी है मेरे भाई आज का प्रश्न। तो ये हमारे पास आज का प्रश्न है जिसे आप सभी लोगों को मेरे भाई सॉल्व करना है, और मैं उम्मीद करता हूं मेरे जितने भाई भी यहां पे मुझको देख रहे हैं, लगभग 30-40 लोग मुझे यहां पे देख रहे हैं, जितने लोग मुझे यहां पे देख रहे हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे मेरे भाई, वो सारे के सारे इसका आंसर बताएंगे। बोलो भाई, वो सारे के सारे इसका आंसर बताएंगे, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो अपने फोन में, और इसका आंसर मुझे आप सभी से कहां चाहिए मेरे भाई, कमेंट सेक्शन में चाहिएगा, इस चीज को आपको समझना है। लव यू सर, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू मेरे भाई। तो ये आज का प्रश्न था मेरे भाई, और इस प्रश्न का आंसर आपको कल सबसे पहले मिलेगा। इसी के साथ मैं यहां पर एंड करता हूं, और उम्मीद करता हूं आप सभी इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। जय हिंद मेरे भाई, गुड नाइट, और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपनी नींद अच्छे से पूरी करेंगे। बहुत जल्दी पढ़ाना पड़ा भाई आज।